हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल द समरी ऑफ चैप्टर ऑफ द फिजिकल एजुकेशन व्हिच इज योर फर्स्ट टर्म सिलेबस। इन फर्स्ट टर्म यू हैव टू स्टडी चैप्टर 21 to 23। इन चैप्टर नंबर 21 यू हैव टू स्टडी कीपिंग हेल्दी। कीपिंग हेल्दी मीन्स दैट स्वस्थ रहें। आई हैव टोल्ड यू ऑल द पॉइंट्स ऑफ कीपिंग हेल्दी इन द प्रीवियस वीडियो, देन लेट अस फोकस ऑन दैट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रे टू गॉड फॉर ए नाइस डे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मॉर्निंग में जल्दी जगना चाहिए और गॉड से नाइस डे के लिए, अच्छे दिन के लिए प्रे करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, वी शुड गो टू टॉयलेट एंड देन ब्रश आवर टीथ। आफ्टर दैट वी शुड बाथ विथ सोप एंड शैम्पू। उसके बाद हम लोग को टॉयलेट जाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, टीथ को क्लीन कर लेना चाहिए और अच्छे से साबुन और शैम्पू से स्नान कर लेना चाहिए। वी शुड ईट आवर मील राइट टाइम एंड ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। हम लोग को समय पे भोजन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। पानी जो है हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथेज। हमें हमेशा साफ कपड़े पहनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड वॉश आवर हैंड विथ सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर मील्स। हम लोग को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छे से हैंड को वॉश कर लेना चाहिए, हाथ को साफ कर लेना चाहिए। वी शुड क्लिप आवर नेल्स रेगुलरली। हम लोग को नेल्स को रेगुलर ट्रिम करना चाहिए, काट लेना चाहिए जिससे हमारे माउथ में जम्स ना जा सके। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू प्ले आउटडोर गेम्स एंड डू फिजिकल एक्सरसाइज। हम लोग को जरूर आउटडोर गेम खेलना चाहिए और फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे हमारा बॉडी स्वस्थ रहेगा और हमारा बोन्स जो है वो स्ट्रांग होगा। वी मस्ट लव आवर पेरेंट्स। हम लोग को अपने पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो हम लोग का पूरा केयर करते हैं, इसलिए पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22, गुड हैबिट्स, दैट मीन्स अच्छी आदतें। लेट अस फोकस ऑन दैट पॉइंट्स व्हिच आई टॉट यू इन द प्रीवियस वीडियो। फर्स्ट पॉइंट्स, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वी शुड स्लीप अर्ली इन द नाइट। हम लोग को रात में जल्दी सोना चाहिए और मॉर्निंग में सुबह में जल्दी जगना चाहिए। वी शुड नॉट बाइट आवर नेल्स। नाखून को अपने दांतों से नहीं काटना चाहिए। वी शुड नॉट स्कैटर टॉयज एंड बुक्स हियर एंड देयर। हम लोग को बुक्स को और कोई भी टॉयज को इधर उधर फैला करके बिखेर के नहीं रखना चाहिए। वी शुड यूज हैंडकरचीफ व्हेन वी कफ और स्नीज। जब भी हम लोग खांसते हैं, छींकते हैं तो हम लोग को रूमाल हैंकी यूज करनी चाहिए जिससे जर्म्स जो हैं वो बाहर न फैले। नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड ऑलवेज से थैंक यू। हम लोग को कोई भी कोई चीज अगर कोई देता है तो हमेशा उसे थैंक यू बोलना चाहिए। वी शुड कीप आवर होम एंड स्कूल क्लीन एंड ऑल्सो पुट वेस्ट इन डस्टबिन। हम लोग को अपने घर को, अपने स्कूल को हमेशा साफ रखना चाहिए और गार्बेज को, रैपर्स को प्रॉपर डस्टबिन में ही डालना चाहिए, इधर उधर बिखेर के नहीं रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज विश आवर टीचर्स एंड एल्डर्स एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड हेल्प देम। हम लोग को हमेशा अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, विश करना चाहिए एंड और एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज डू एक्सरसाइज एवरी डे एंड ईट ए लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हम लोग को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए जिससे हमारा बॉडी स्ट्रांग होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। एंड लास्ट चैप्टर नंबर 23, क्लीन सराउंडिंग, लेट अस फोकस ऑन सम पॉइंट्स। वी शुड नॉट थ्रो फूड पैकेट्स ऑन द फ्लोर। हम लोग को फूड पैकेट्स
का रैपर्स इधर उधर फ्लोर पे फैला के नहीं रखना चाहिए। वी शुड क्लीन आवर होम एंड सराउंडिंग रेगुलरली। हम लोग को अपने घर को और अपने घर के आसपास हमेशा साफ रखना चाहिए। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर ऑफ पार्क। पार्क हम लोग को पार्क में फूल को नहीं तोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट लिटर द पार्क विथ टॉफी रैपर्स और पॉलिथिन बैग्स। हम लोग को पार्क में टॉफी रैपर्स को पॉलिथिन बैग्स को बिखेर कर नहीं रखना चाहिए। डोंट पुट द टैप ऑन व्हेन दे आर नॉट इन यूज। हम लोग को जब हम अगर नल यूज पानी यूज कर रहे हैं तो नल को टैप को खोलना चाहिए, अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो नल को बंद रखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन रिवर्स एंड लेक्स। हम लोग को गार्बेज और जो कचरा है उसे नदी में और झील में नहीं फेंकना चाहिए, जिससे वाटर पॉल्यूटेड होता है, वाटर दूषित पानी दूषित हो जाता है। वी शुड ऑल्सो मेंटेन पर्सनल हाइजीन। और हम लोग को हमेशा पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, पर्सनल साफ सफाई पे पूरा ध्यान देनी चाहिए। आई थिंक दैट यू ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड यू हैव टू रीड इट, learn it, follow it, because these chapters are related to our healthy lifestyle. Thank you.